अगर आपको YouTube पे प्रोफेशनल वीडियो अपलोड करनी हो तो आपको कंटेंट भी प्रोफेशनल रिक्वायर्ड होगा। आज हम डिटेल से कंटेंट क्रिएशन से लेकर YouTube पे वीडियो अपलोड करना सीखते हैं। स्टार्ट विद द स्टेप नंबर वन, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। अब ये जो आपके पास डेटा आया है, यकीन करें ये रिलायबल डेटा नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप इसकी ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप वीडियो कटर पे और चले आपको जाएं। इस ऑडियो को वीडियो से एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका तरीका ये है कि सिंपली आप गूगल पे जाएं, ऑडियो एक्सट्रैक्टर लिखें, कैनवा पे लॉगिन कर लीजिए। अच्छा, क्योंकि अब मेरे पास कैनवा प्रो है, सबटाइटल्स जो यूट्यूब ऑटो जनरेट करता है उसमें बहुत सी मिस्टेक्स होती। अगर आपको YouTube पे प्रोफेशनल वीडियो अपलोड करनी हो तो आपको कंटेंट भी प्रोफेशनल रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए देखते हैं हम वीडियो क्रिएशन के फर्स्ट स्टेप से ऑनवर्ड आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। सो स्टेप वन आपका होगा कंटेंट क्रिएशन का, स्टेप टू होगा विजुअल्स का और ऑडियो का। अगर आप डायरेक्ट अपने कैमरा से वीडियो बना रहे हैं तो ऑडियो विजुअल कंबाइन हो सकता है, या फिर आप विजुअल्स अलग से ले सकते हैं और ऑडियो अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपका यूट्यूब पे अपलोडिंग का स्टेप आएगा। अभी आज हम डिटेल से कंटेंट क्रिएशन से लेकर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप नंबर वन, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होता है आपको टॉपिक सेलेक्ट करना। आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपकी निश कौन सी है, यानी आप किस टॉपिक के बारे में जनरली बात करते हैं। आपका चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में है, या फिर आपका चैनल लाइफस्टाइल के बारे में है, या फूड ब्लॉगर हैं। सो अगर आप इंटायरली डिफरेंट ऑडियंस को सडनली कैप्चर करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। कोशिश करें कि जो आपकी बेसिक निश है उसी के अंदर रह कर ही काम करें। सो मैं अपने टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ। मेरा चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो मेरा टॉपिक आज का है डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अच्छा, डिफरेंसेस का कंटेंट कहाँ से आएगा? उसका कंटेंट के लिए मुझे कुछ बेसिक लेआउट यानी नोट्स या फिर स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड होगा। वो स्क्रिप्ट मैं कहाँ से लूँगी? नोट्स बनाने के लिए जो वे मैं यूज़ कर सकती हूँ, इसको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कह लें, मैं फर्स्ट हेल्प ChatGPT से लेती हूँ। वहाँ से जो मुझे बेसिक लेआउट मिलता है उसको मैं डिटेल में अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट से कंफर्म करती हूँ, या फिर कोई बुक मटेरियल है या जर्नल का, या फिर मुझे आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होंगे। सो मैं प्रॉपर उसका होमवर्क करके सारी ऑथेंटिक साइट से उसकी वेरिफिकेशन करके उसके बाद उसको फाइनल स्क्रिप्ट फॉर्म में लेके आती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी न्यू चैट ओपन की है। मेरी ऑलरेडी बहुत सारी चैट्स इसमें ओपन हैं। कोशिश करें कि एक चैट में आप एक ही तरह की क्यूरी एंटर करें। सो मैंने न्यू चैट एंटर की और यहाँ पे एंटर किया प्लीज लिस्ट ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये मेरे पास बेसिक डेटा आ गया। अभी जो इस बेसिक डेटा आया है मैं इसको मॉडिफाई करा सकती हूँ, लाइक जैसे जैसे मेरा स्क्रिप्ट मैंने किस फॉर्म में लेना है, बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म में लेना है, स्टोरी लेनी है, और मेरी टोन कैसी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए या फिर मुझे कन्विंसिंग टोन यूज़ करनी है, मेरे पास एज ग्रुप कौन सा है जिसके लिए मैं ये डिफरेंसेस ले रही हूँ। लाइक अगर मुझे साइंटिस्ट कम्युनिटी को डील करना है तो मेरी टोन इंटायरली डिफरेंट होगी। अगर मुझे मेट्रिक के बच्चों के लिए स्ट्राइक कराना है तो मेरे सेंटेंसेज और मटीरियल इंटायरली डिफरेंट होगा। आपको देखना है कि आपकी फोकस्ड ऑडियंस किस लेवल तक आपने उसके लिए कंटेंट जनरेट करना है, और उसके लिए आपने बेसिक अपनी टोन क्या रखनी है। मत सोचिएगा कि आप इससे अपनी प्रेजेंटेशंस बना लेंगे या असाइनमेंट्स बना लेंगे या आर्टिकल्स लिख लेंगे, क्योंकि ये रिकॉग्नाइजेबल होते हैं। इवन जो एक्सपर्ट्स इस पे काम करते हैं वो विदाउट एनी एआई टूल भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लैंग्वेज का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइटअप का स्टाइल डिफरेंट होता है।
दूसरा, अगर आप साइंटिफिकली बात करो तो आपको हर चीज़ का रेफरेंस देना होता है, इसलिए आप इससे इतनी हेल्प ले सकते हो कि आप अपने सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर लो, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो, स्टाइल अपने सेंटेंसेस का चेंज कर लो, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद ही लिखना है। सो इट्स यू हु इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये जो आपके पास डेटा आया है, यकीन करें ये रिलायबल डेटा नहीं है, आपको इसको कंफर्म करना है। स्पेसिफिकली अगर आप किसी साइंटिफिक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं फिर तो डेफिनेटली आपको कंफर्म करना है। मैं आपको ये थोड़ी सी मिस्टेक्स यहाँ पर इसकी कॉपी करके दिखा देती हूँ, और ये इतनी मेजर मिस्टेक्स हैं आप सोचें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन ही रोंग हो गई। अगर आप इस तरह के काम करेंगे, अगर एक भी वीडियो में एक भी पॉइंट इस तरह का चला गया जो आपके पास ऑथेंटिक डेटा नहीं होगा, तो उसके दो नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। एक तो ये कि अगर आपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया, आप टीचर हो, तो वो आपकी वीडियो फॉलो करेगा और उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। दूसरा, उसकी मेमोरी में, अगर किसी की मेमोरी में आपका रॉन्ग पॉइंट चला जाएगा तो थ्रू आउट वो उसको ऐसे ही कैरी करेगा, और आपको फर्क ये आएगा कि अगर कोई एक पॉइंट भी आपका रॉन्ग होगा तो नेक्स्ट टाइम से कोई आपकी वीडियो नहीं देखेगा। सो ऐसे काम मत कीजिए। एटलीस्ट अगर आप साइंटिफिक वीडियो बनाना चाहते हैं या कोई भी कंटेंट बेस्ड बनाना चाहते हैं, तो हमेशा उसको ऑथेंटिक साइट से वेरीफाई कर लें। अच्छा, मेरे लिए ये टॉपिक बहुत सिंपल है क्योंकि मैं खुद मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हूँ, तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत तलब नहीं है। स्टिल मैं किताबों से इसको वेरीफाई करूँगी, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी लेक्चर, आप स्कूल टीचर हैं, आप कॉलेज टीचर हैं, आप यूनिवर्सिटी टीचर हैं, कभी भी वेरिफिकेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। और अगर कोई टेक्निकल पॉइंट है तो आप रेफरेंस देंगे कि मैंने वहाँ से ये उठाया है, और हमेशा आप जो भी लिखें उसको प्रॉपरली होमवर्क करके लिखें। सो मेरा स्क्रिप्ट रेडी हो गया, अब स्टेप नंबर 2 है ऑडियो रिकॉर्डिंग। जब आपका स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिकॉर्डिंग करनी होगी। आप एक कंप्लीट वीडियो भी बना सकते हैं, अपना मोबाइल उठाएं, कैमरा उठाएं और डायरेक्ट वीडियो बना लें, व्हाइट बोर्ड यूज़ कर लें, पेज पेन यूज़ कर लें। अगर आप फूड ब्लॉगर हैं तो कुकिंग कर लीजिए, अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं तो कैमरा लेकर कहीं भी चले जाएं, वहाँ पर साइमल्टेनियसली आपकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। हमारे साइंस में बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम पेपर पेन पकड़ कर या फिर बोर्ड पर दें। आपको बहुत सी एनिमेशंस दिखानी होती हैं, आपको बहुत सी पिक्चर्स दिखानी होती हैं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप उस तरह का ड्रॉ नहीं कर सकोगे जो कि एक्चुअल इमेज बुक में है। सो उसके लिए मैं तो ऑडियो रिकॉर्ड करके उसके रेलेवेंट मटीरियल को, उसकी रेलेवेंट एनिमेशंस या वीडियोस या पिक्चर्स को उसके साथ साथ डिस्प्ले कर देती हूँ। इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप जिस तरह भी कंटेंट बनाना चाहें। अच्छा, रिकॉर्डिंग करने के लिए दो तरह की चीज़ें मैंने बता दिया, आप कैमरा ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट स्क्रीन से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन की अगर रिकॉर्डिंग करनी हो तो आप कैनवा पे कर सकते हैं, मेरी दूसरी कैनवा वाली वीडियो देख लीजिए। स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो दैट्स वेरी सिंपल, जैसे मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे पास विंडोज 10 है, मैं सिंपल क्लिक करती हूँ ये विंडोज का बटन, ऑल्ट और आर का बटन, मेरे पास राइट साइड के ऊपर ये छोटा सा आइकन आ जाता है रिकॉर्डिंग का, और ऑटोमेटिकली मेरी सारी की सारी स्क्रीन जो जो मैं क्लिक करूंगी वो रिकॉर्ड हो जाती है अलोंग विद द वॉइसेस। अब जब मैं ये स्टॉप करूंगी तो ये सारी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी वीडियोस के फोल्डर के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स में, वहां से जाके आप उसको जिस तरह मर्जी एडिट कर लीजिए। सो, या तो आप लैपटॉप पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर आप डायरेक्ट सिर्फ ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लैपटॉप पे वॉइस रिकॉर्डर ओपन कर लीजिए या फिर आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लीजिए या कोई भी गैजेट जो आप यूज़ कर रहे हैं।
ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत टेक्निकल है। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम ही ऑडियो रिकॉर्डिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल एक्सटर्नल फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपके पास गेजेट अच्छा होना चाहिए, आपके पास जो रूम जिधर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो साउंड प्रूफ होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये सारी डिफिकल्टीज हो सकती हैं जो मैंने फेस की हैं। अच्छा, मैं इसमें एक और बात करना चाहूंगी और मुझसे बहुत से लाहौर के और स्पेशली कराची के लोग एग्री करेंगे कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है कि हमारे पास वॉइस कंट्रोल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर इतनी पोल्यूशन, इतनी एलर्जीज, इतने रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, आपकी वॉइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं इस एटमॉस्फेयर में, इस क्लाइमेट में। अगर आपने अपनी टोन 1 घंटे की वीडियो में या 2 घंटे की वीडियो में सेम रखी है तो यकीन करें ये वाकई जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। सो डिपेंड्स ऑन योर गैजेट, आपकी ऑडियो की क्वालिटी क्या है। अगर आप इसकी ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप वीडियो कटर पे चले जाएं। ये वीडियो कटर का लिंक है, आप इसको ओपन करें, देखें इसमें साउंड क्वालिटीज इम्प्रूव करने के कितने सारे वेज हैं। अगर आपको आती है साउंड क्वालिटी इससे इम्प्रूव करनी, आप इस पर वर्क करना चाहते हैं, तो श्योरली डेफिनेटली आप यहाँ पर अपनी साउंड इम्प्रूव करें। कैनवा में आपको साउंड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। वीडियो कटर में सिर्फ वीडियो ट्रिमिंग, लाउडनेस और ऐसे सिर्फ वॉइस से रिलेटेड फीचर्स ही नहीं हैं, तो आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत से यूज़फुल फीचर्स आपको मिलेंगे। सो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो उसको एक्सप्लोर करें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस तो शायद आप एक्सेल पर काम भी नहीं कर सकते और ये सॉफ्टवेयर्स पर काम करना अपनी हॉबी बना लें। अच्छा, एक और ऑप्शन होती है कि आपने कहीं वीडियो रिकॉर्ड की, वहाँ पे आपको विजुअल्स तो इतने अच्छे नहीं मिल रहे लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी हो गई है। जैसे आपने किसी क्लास को पढ़ा रहे हो, आपके पास बोर्ड की या कॉपी की रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई लेकिन आपकी ऑडियो बड़ी अच्छी रिकॉर्ड हुई भी है, और आपको इस ऑडियो को वीडियो से एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसका तरीका ये है कि सिंपली आप गूगल पे जाएं, ऑडियो एक्सट्रैक्टर लिखें और इस तरीके से आप अपनी ऑडियो को सेपरेट कर लें। ऑडियो एक्सट्रैक्टर सिर्फ ऑडियो एक्सट्रैक्टर टूल नहीं है, इसमें और भी बहुत से फीचर्स हैं। आप इसके सारे फीचर्स एक्सप्लोर करें, सारे फीचर्स यूज़ करें। इसमें बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे आपको ये सब के सब एक साथ ही मिल जाएंगे। आप इसको एक्सप्लोर करें और जो जो फीचर आपको चाहिए उसकी प्रैक्टिस करते जाएं। एनीहाउ, आपने ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर ली या फिर अपने अपने ऑडियो डायरेक्ट रिकॉर्ड कर ली, इसको एडिट करना है एडिट कर ली, अब हम कैनवा यूज करते हैं। कैनवा पे लॉगिन कर लीजिए। अच्छा, क्योंकि अब मेरे पास कैनवा प्रो है तो
तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि सर्च बॉक्स में आपने डायरेक्ट लिखना है कि आपको टेम्पलेट रिक्वायर्ड कौन सा है, मैंने यहाँ पर YouTube वीडियो ही लिखा था ताकि मुझे सिर्फ YouTube वीडियो के ही टेम्पलेट्स मिलें। अब जब मैं कैनवा प्रो यूज़ कर रही हूँ तो मेरे पास इंटर कन्वर्जन की ऑप्शन है। इंटर कन्वर्जन की ऑप्शन ये कि अगर मैंने से कोई पोस्टर भी लिया है तो वो पोस्टर को ही मैं वीडियो में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और मुझे ये क्वालिटी बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि मैं कोई भी टेम्पलेट को उठाकर अपने रिक्वायर्ड कंटेंट के तौर पे यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूट्यूब वीडियो अपना कंटेंट सर्च बॉक्स में लिखा, अपना टॉपिक सर्च बॉक्स में लिखा, दैट वाज डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। अब मैं पूरा टॉपिक लिखूंगी तो कुछ नहीं आएगा, सो अब मैं स्प्लिट कर लेती हूँ कि शायद कुछ तो मेरे रेलेवेंट आ जाए। सो मैं डीएनए एंटर करती हूँ या फिर आरएनए एंटर करती हूँ, लेट्स सी कौन कौन से टेम्पलेट्स मिलते हैं। ये देखें, लोगों ने रेलेवेंट टू आरएनए और रेलेवेंट टू डीएनए ये इतना सारा कंटेंट अपलोड किया है। यहाँ पे मुझे जो भी टेम्पलेट अच्छा लगेगा मैं इसको कस्टमाइज करूँगी और फिर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगी यूट्यूब वीडियो में। सो लेट्स सी दिस वन, मैंने इसको ओपन किया। और मैंने ये साइज कन्वर्जन क्लिक किया, साइज कन्वर्जन क्लिक करके मैंने इसको यूट्यूब वीडियो के साइज पे कर लिया। जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड की थी उसको अपलोड करते हैं, ये अपलोड को क्लिक किया और मैंने अपने पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर अपनी फाइल को इधर अपलोड कर लिया। सो अब मेरे पास साउंड भी है और बेसिक टेम्पलेट भी है, इसको लेके हम एडिटिंग शुरू करते हैं। कैनवा प्रो का एक फीचर मुझे बहुत पसंद है कि यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट्स हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अब ये डीएनए और आरएनए में डिफरेंस की बड़ी अच्छी वीडियो मुझे मिल गई थी। जो पॉइंट आपको लगे कि डिलीट करना है उसको उधर से डिलीट कर दें और इसको आप ड्रैग करेंगे तो इजीली आपके पास ये एक्सटेंड होता जाएगा। आप वॉइस को कट करें, जिस साइड से आपने वॉइस को कट किया होगा उधर से डुप्लीकेट करें।
डुप्लीकेट करके जिधर से भी आपको न्यू वॉइस चाहिए उधर से उसको एक्सटेंड कर दें। इसी तरह आप कोई भी इमेज लेके उसको इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने ये इमेज लिया था आरएनए और डीएनए का ग्राफिक्स ली थी। अब ये ग्राफिक्स मुझे एज सच ये कंबाइंड फॉर्म में जॉइंट फॉर्म में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। सो आप फ्यूचर में जब ये ओरिजिनल देखेंगे तो मैंने इसको कट कर दिया था दो पीसेस में और कट करके इसके ऊपर एनिमेशंस लगा दी थी। यहाँ पे बहुत से फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे और स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मुझे इन सब में ये अच्छा लगा है। देखें, ये कैनवा प्रो के साथ है, यानी पेड वर्जन के साथ है। सो पेड वर्जन में बहुत से अच्छे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। फॉन्ट स्टाइल और कलर दोनों मैटर करते हैं, जितने कैचिंग होंगे उतना ही आपकी वीडियो के लिए अच्छा होगा। अब देखिए, मैंने पोजीशन को क्लिक किया, पोजीशन को क्लिक करके मैंने इसको सेंटर में ले आई। इसी तरह मैं टेक्स्ट को भी ले सकती हूँ और रेलेवेंट इमेज को भी मैं पोजीशन एडजस्ट कर सकती हूँ। इफ़ेक्ट्स के अंदर ये बहुत से, देखें इसमें इफ़ेक्ट्स हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप इसमें से सेलेक्ट कर लें। डिफरेंट स्लाइड्स के लिए आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करती हूँ और बैकग्राउंड के साथ आप प्ले कर सकते हो। आप इसकी राउंडनेस चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से आप कोई भी वेरिएशन करके अपनी पसंद की बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। सो इसकी स्प्रेड कितनी है, ट्रांसपेरेंसी आपने कितनी रखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग ये सब कुछ एडजस्ट कर लीजिए। ये कर्व का फीचर आपको कभी कभी बहुत हेल्पफुल होता है। कभी जब आप ऐसा डिज़ाइन बना रहे हो जिसमें आपको ये रिक्वायर्ड है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। सो टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट इफेक्ट हो गया, टेक्स्ट की पोजीशन हो गई। अब आ गया आपके पास एनिमेशन। ये बहुत सी एनिमेशंस हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ग्राफिक्स में आपको डिफरेंट स्टाइल यूज करने पड़ जाते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन, ट्रांजिशंस आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं। ये कलर वाइप है, कलर वाइप में देखें आप के पास ट्रांजिशन के कलर्स भी चेंज कर सकते हो और ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हो और अपनी मर्जी के कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं। इसी तरह आपको जोन सी भी ट्रांजिशन पसंद हो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। सो मैंने हर न्यू स्लाइड से पहले कलर वाइप के ऑप्शन दी है ट्रांजिशन में और स्लाइड के एंड के ऊपर मैंने ऑप्शन दी है लाइन वाइप की। सो इट्स नॉट सो इजी। कभी कभी 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो के लिए आपको हाफ आवर 2 आवर 3 आवर्स लग जाते हैं। आपको वॉइस की कंट्रोल्स चेक करने हैं, जो पार्ट्स कट करने हैं वो आपको कट करने पड़ेंगे, जो ऐड करने हैं वो आपको ऐड करने पड़ेंगे, ट्रांजिशंस देनी पड़ेंगी, एनिमेशंस अगर आपने देनी है या फिर आपने कोई टेम्पलेट यूज़ करने हैं, ये सब कुछ टाइम टेकिंग है। सो जितना इजी कोई वीडियो आपको देखने में लगता है इतना इजी नहीं होता। अब ये जो मैंने इंट्रो के लिए स्लाइड्स ली थी वही स्लाइड को मैं डुप्लीकेट करते जाऊंगी और यूज़ करते जाऊंगी। डुप्लीकेशन से मुझे एडवांटेज ये होगा कि फॉन्ट स्टाइल और साइज़ एक ही कॉपी होता रहेगा।
सो वॉइस भी डुप्लीकेट करते जाएं, अपनी स्लाइड्स डुप्लीकेट करते जाएं और एक्सटेंड करते जाएं और ऐसे अपनी वीडियो प्रोग्रेस करते जाएं। ये आपको नजर आ रहे होंगे सबटाइटल्स जो कैनवा में आ रहे हैं। जो सबटाइटल्स कैनवा में आते हैं, जब आप इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे तो ये सबटाइटल नहीं आएंगे। बहुत से लोग ऐसी आपको वीडियो बना के देते होंगे कि कैनवा पे सबटाइटल इजीली ले लें। कैनवा में ऑटो जनरेटेड सबटाइटल्स नहीं होते हैं। जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं वो सिर्फ आपकी गाइडलाइन के लिए होते हैं और बाद में आप डाउनलोड के टाइम पे नहीं होते। कैनवा ने अभी आपको फीचर नहीं दिया हुआ, सो ऑटो जनरेटेड नहीं होंगे कैनवा में, आपको खुद टाइप करने पड़ेंगे। और टाइप इसी तरीके से आप कोई सा भी फॉन्ट ले लें और इधर टाइप कर लें। अच्छा, ये बैकग्राउंड रिमूव किया मैंने स्लाइड के ऊपर। जब आप होल स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये कलर की ऑप्शन आ गई, आप कोई सा भी कलर उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा हो तो मेरे पास डिऑक्सी राइबोज नहीं थी, मेरे पास सिर्फ राइबोज शुगर थी। मैंने डिऑक्सी राइबोज शो करने के लिए उसके साथ एक स्मॉल पैच लगा दिया जिससे उसकी ऑक्सीजन कवर हो गई। सो इट्स अ ट्रिक, आप जब अपनी वीडियो बनाएंगे तो इसी तरीके से आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और इजीली नई वैरायटी कोई भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप कितने भी इमेजेस को ग्रुप कर सकते हैं और ग्रुप करके इकट्ठा किसी और स्लाइड पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ये मैंने किसी और वीडियो के लिए टेम्पलेट बनाया था, मैं इस सारे को ग्रुप करूँगी और ग्रुप करके मैं ट्रांसपोर्ट कर लूँगी अपनी करंट वीडियो के साथ। सो मैंने ग्रुप किया और इस सारे को कॉपी किया और अब जो मैं टेम्पलेट बना रही हूँ वहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। वो डीएनए पे वीडियो थी तो मैंने इसको इधर कॉपी किया और इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी कि आरएनए में किस किस पोजीशन के ऊपर है। अब अगर आप देखें बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, ये जो न्यूक्लियस मैंने लिया था, ये न्यूक्लियस मैंने इमेज से लिया था और इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था। जितने भी मेरे पास ग्राफिक्स आ रहे थे, इतना अच्छा क्लियर डीएनए मुझे कहीं और नज़र नहीं आ रहा था। ये मैंने ग्राफिक्स में से एक सर्कल सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं आरएनए की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग मुझे बाकी फीचर्स भी लेने पड़ेंगे। ये राइबोसोम्स लिया, लेकिन ये राइबोसोम्स के साथ ब्लैक बैकग्राउंड है। मैंने इसको स्मॉल करके उसकी पोजीशन पर लेके आई जो मुझे रिक्वायर्ड थी। अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगी। उसके लिए मैं ये एडिट फोटो पे आई, बैकग्राउंड रिमूवर यूज़ किया। अब देखें यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैजिक इरेजर है, मैजिक एक्सपेंड है, या आपने कोई भी इनमें से फीचर यूज़ करना हो। इस तरह एडिटिंग की बहुत सी ऑप्शंस हैं। अब इसको मैंने और प्रोमिनेंट करना है तो मैंने शेप सेलेक्ट की और इसको मैं पोजीशन में बैकवर्ड ले गई। सो अब मेरे पास आरएनए थोड़ा क्लियर हो गया। उसी तरह मैंने जिस तरह इधर इधर किया है, अब मैंने डीएनए में इसको इधर भी बैकवर्ड कर दिया। ये जो आपको वॉइस ट्रैक्स में अलग अलग कलर नज़र आ रहे होंगे, ये अलग अलग टाइम पर रिकॉर्ड की हुई हैं। सो वीडियो मैंने बना ली, अब इसको एक दफ़ा दोबारा से सारे को रन करके चेक कर लेती हूँ किसी पोजीशन पे, किसी साउंड में या फिर वीडियो में कोई इशू होगा तो इधर से मुझे पता चल जाएगा। ये सबटाइटल्स ऑटो जनरेटेड आ रहे और मुझे यहाँ के सबटाइटल यूट्यूब के सबटाइटल से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको डाउनलोड कर सकूँ। सो जब कंप्लीट वीडियो बन जाती है, अपने एक दफ़ा सारे को दोबारा से गो थ्रू करना है और अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ भी आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत लगती है उसको एडजस्ट कर लें। मुझे कैनवा पे वीडियो बनाना आसान लगता है क्योंकि मेरा बेसिक फील्ड वीडियो एडिटिंग नहीं है, तो यहाँ पे मुझे उतना ही इजी लगता है जितना मैं पावर पॉइंट पे काम किया करती थी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है।
बल्कि कभी कभी जब आप इमेज पे काम कर रहे होते थे या अपनी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो तो मूव करना पड़ता था फोटोशॉप पे। फोटोशॉप में आवर्स लग जाते थे छोटे छोटे, लाइक सिंपली बैकग्राउंड रिमूवर के। अब ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव वीडियो का किया है और कितने आराम से हो गया, और ये बहुत एफिशिएंटली होता है। अगर आप बहुत से और फ्री वर्जन्स यूज़ कर रहे हो और वीडियो में बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास वीडियो का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट की ऑप्शंस होती हैं। अब देखिए मैं नहीं चाहती थी कि प्लेन बैकग्राउंड के साथ हो, सो मैंने बैकग्राउंड को और यूज़ किया और वीडियो को मैंने सब सो सब्सक्राइब वाले पार्ट को मैंने आराम से बैकग्राउंड रिमूव करके किसी भी वीडियो के साथ एडजस्ट कर लिया। ये कैनवा प्रो का फीचर है जो बहुत अच्छा है। आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करके उसको किसी और वीडियो के साथ मर्ज कर सकते हो। इवन आपने कहीं रिकॉर्डिंग की है तो अपना बैकग्राउंड भी कोई भी सो अपना बैकग्राउंड भी कोई भी एडजस्ट कर सकते हो। सो कैनवा में आपके पास बहुत से इमेजेस, बहुत से ऑप्शंस हैं। अगर आपने ऑडियो एडजस्ट करनी है तो ये देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ही क्राउन पे हैं। क्राउन में से ये मैं एक सेलेक्ट करती हूँ पेट एंड्रयू की, और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मुझे कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। जब यूट्यूब में ये मैं बाकी सारे यूज़ करती हूँ क्लेम तो ऐसा सच नहीं आता। यूट्यूब ये मैसेज देती है कि ये मटेरियल कॉपीराइटेड है, ये ट्रैक कॉपीराइटेड है, लेकिन यूट्यूब पे अलाउड है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फिर आपको ऐसे रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, जब एक कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल है, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल है तो आप उसको यूज़ नहीं करें, बल्कि आप YouTube से ही ट्रैक ले लें। मुझे ये ट्रैक तंग नहीं करता, ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं है, सो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। एक्चुअली कभी कभी आपकी रिकॉर्डिंग में इतनी नॉइज़ होती है कि आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करना पड़ जाता है। आप कैनवा में देखें इतने फीचर्स हैं, वीडियोस हैं, AI इमेज जनरेटर है, ये कभी कभी बड़े अच्छे इमेजेस जनरेट करके दे देता है। इसी तरीके से AI वीडियो के लिए भी AI टूल्स हैं, वो आपको जनरेट कर देगा जैसी आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे बहुत से चार्ट्स की ऑप्शंस हैं, टेबल्स की ऑप्शंस हैं, और ये बहुत से AI टूल्स। मैंने इसमें से इमेज जनरेटर चेक किया हुआ है, वो अच्छी ऑप्शन है। ये आपके पास ब्रांड किट है, आपने कलर्स कौन से यूज़ करने हैं अपनी ब्रांड के, जो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप रख लें। सो और बाकी ये जितने भी फीचर्स हैं, इट्स अ फन टू एक्सप्लोर ऑल दीज। कुछ लिमिटेड काम फ्री वर्जन में हो जाता है, ये रीसाइज का ऑप्शन कैनवा प्रो में बहुत अच्छा है। इसमें देखें, अच्छा रीसाइज को मैंने क्लिक किया है तो ट्रांसलेट की ऑप्शन दे रही है, आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये कैनवा प्रो का फीचर है, लाइक अगर मैंने उर्दू लिखा जो आपके इमेजेस पे इम्बेडेड है वो सेंटेंसेस तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन जितने भी आपने यहाँ पे टाइप किए होंगे उस सारे को ट्रांसलेट कर देगा। जैसे ये जो मैंने वर्ड फंक्शन लिखा है इसको ट्रांसलेट कर देगा। ये नई वीडियो जनरेट हो गई, नई वीडियो को मैंने ओपन किया, देखते हैं इसने कितना अच्छा उर्दू में ट्रांसलेट किया होगा। यहाँ पे मेरा अपना राइटअप नहीं था सो यहाँ पे कुछ नहीं है।
यहाँ पे टाइपिंग थी, देखें आरएनए डीएनए, और नीचे पढ़े क्या ठीक किया हुआ है। डीएनए में हयातियात का जीनियाती कोड होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं टाइपिंग कर रही हूँ तो वो उर्दू में नहीं हो रही, इंग्लिश में ही हो रही है, यानी आपको कहीं और से ट्रांसलेट करके, कहीं और से उर्दू का वर्ड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये उर्दू में ही आपके लिए टाइप करे, तो फिर आपको अपनी बेसिक लैंग्वेज इसमें सेटिंग में जाकर उर्दू करनी पड़ेगी। फिलहाल देखें इतनी बुरी उर्दू नहीं की है इसके एआई टूल ने, थोड़ी बहुत ही आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। देखें राइबोसोमल टर्म थी तो उसने उसको उर्दू करने की कोशिश नहीं की, राइबोसोमल आरएनए ही रहने दिया है। इसी तरह ट्रांसफर की उर्दू करने की कोशिश नहीं की, ट्रांसफर आरएनए ही रहने दिया है। दैट्स अ गुड फीचर। अगर आपने इसके एआई टूल से समरी जनरेट करानी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मेरा टेम्पलेट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं थे तो उसने तो इसने रिफ्यूज़ कर दिया है कि इस तरह के डेटा के लिए नहीं, कोई और डेटा आप यूज़ करेंगे तो समरी और उसके अकॉर्डिंग वो ब्लॉग पोस्ट भी इवन जनरेट कर देगा। सो चैट जीटीपी का बहुत सा काम यहाँ पर कैनवा का एआई टूल करके दे सकता है। अब इसी वीडियो को अगर मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स बनानी हो, या फिर ये देखें कितनी सारी ऑप्शंस हैं। आप सोशल मीडिया के किसी भी ऐप के लिए कन्वर्ट करना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इधर रीसाइज कर दीजिए, जैसे फेसबुक के लिए साइज़ और होता है, इंस्टाग्राम के लिए साइज़ और होता है, लिंक्डइन के लिए साइज़ और होता है। सो अगर इसी वीडियो से मैंने YouTube शॉर्ट्स बनाने हो तो मैंने इसको क्लिक किया, मैं इसे थंबनेल में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। फिलहाल मैंने सिर्फ शॉर्ट्स लिया और मैंने ये मेरी न्यू वीडियो है जो कि मोबाइल वर्जन या शॉर्ट्स वर्जन है। थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपका सारे के सारा टेम्पलेट इधर ट्रांसफर हो गया। आप किसी भी वीडियो को डिटैच कर सकते हैं बैकग्राउंड से और अपने साइज के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लें। स्टिल ये बहुत हेल्पफुल होता है, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल डिज़ाइंस को कॉपी करो, आप वहीं से रिसाइज करो और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस कर दो। अब आप 100% सारी स्लाइड्स की तो शॉर्ट्स नहीं बनाएंगे। एक और कैनवा प्रो का बहुत अच्छा फीचर जो मुझे लगता है, अब जैसे आपने 100 यूट्यूब की शॉर्ट्स यहाँ से ले ली, 100 स्लाइड्स की, इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये एज ए इंडिविजुअल फाइल आपके पास कॉपी हो जाएगा। सो ये बहुत बड़ी हेल्प होती है कि 100 स्लाइड आपके पास इंडिविजुअली आ गई। अब अगर मैं ये डाउनलोड करूँ, देखिए मेरे पास 4K की ऑप्शन है, मैं इधर ही इसको 4K में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर सकती हूँ। और ये ऑप्शन आपके पास सिर्फ कैनवा प्रो के साथ आएगी। वीडियो एडिटिंग आपकी और भी टूल्स कर देते हैं। मैं कैनवा इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मुझे टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है ये बजट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है।
ये मैंने YouTube थंबनेल्स के लिए डिज़ाइंस ले लिए, डिफरेंसेस के लिए मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको एडिट कर लेती हूँ। थंबनेल के लिए मुझे अलग से क्यों लेना पड़ा, क्योंकि थंबनेल का साइज़ इंटायरली डिफरेंट होता है। कस्टमाइज को क्लिक किया और ये मेरे पास बेसिक टेम्पलेट आ गया। अब मैं इसको मॉडिफाई कर लूँगी अपने अकॉर्डिंग। सो ये आपकी प्रैक्टिस है। कुछ लोग जब थंबनेल बनाते हैं तो बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स उसमें होती हैं, और जब वीडियो खोल के देखें तो उसमें कुछ भी नहीं होता। YouTube पे अपलोड करने के लिए तीन तरह का कंटेंट रिक्वायर होगा आपको, थंबनेल, अपनी वीडियो और डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स मूव टू YouTube नाउ। बहुत से लोग पूछते हैं YouTube का चैनल कैसे बनाते हैं। YouTube का चैनल आपका बना होता है अगर आपने Gmail का अकाउंट बनाया है तो समझें आपका YouTube का चैनल है। अभी हमने ये क्रिएट को सेलेक्ट किया, इसमें अपलोड वीडियो की ऑप्शन आ गई, अपलोड को क्लिक किया, अपने फोल्डर से कोई भी फाइल जो आप अपलोड करना चाहें इसको अपलोड कर दिया। फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है कि क्या ये बच्चों के लिए आपने बनाई है या नहीं बनाई है। इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं यूट्यूब की, इसलिए आप इसको हमेशा प्रॉपरली फिल करें। इसलिए आप इसको प्रॉपरली सेलेक्ट करें। अब मैंने बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाई है, सो आई विल सेलेक्ट नो इट्स नॉट फॉर किड्स। अब आप नीचे आएँ तो देखें इस पर मैंशन है शो मोर। इसमें ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपको जो भी ऑप्शन इसमें अच्छी लगती है, जैसे रीमिक्स अलाउ करना है या नहीं करना आपने, आप अपनी लैंग्वेज ज़रूर प्रॉपर सेलेक्ट करें। अगर आप उर्दू में बना रहे हैं तो इसको लिखें कि आपने उर्दू में ही बनाई है या हिंदी बनाई है। इसी तरह इंग्लिश में अगर आपकी वीडियो है तो वो ऑटो सेलेक्ट तो ये इंग्लिश पे ही होता है, क्योंकि बाद में आपको सबटाइटल्स देने होंगे तो उसमें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने प्रॉपर लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट की हो। ये अपलोड हो गया। ये थंबनेल की ऑप्शंस हैं, यहाँ से थंबनेल अपलोड कर दें।
एंड स्क्रीन आपने कौन सी देनी है, एंड स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी ड्यूरेशन और एंड स्क्रीन पे आपको कौन सी वीडियो चाह रहे हैं कि लोग इस वीडियो को देखकर दूसरी वीडियो क्लिक करें, वो आप हमेशा बहुत केयरफुली मैनेज करें कि आप कौन सी वीडियो डिस्प्ले करना चाहते हैं। सब टाइटल्स जब आप वीडियो अपलोड कर लें उसके बाद ही इसको एडिट करें। पहले आप कहीं से भी उठाकर सब टाइटल जनरेट करा के इधर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन YouTube खुद से भी आपको फैसिलिटेट करता है। सब टाइटल्स जो YouTube ऑटो जनरेट करता है उसमें बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, उसको हमने कैसे करना है वो अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, इस वीडियो को आप प्राइवेट भी रख सकते हैं, और चाहे तो ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं ही लोगों को डिस्प्ले हो, या फिर आपने पब्लिक करनी है पब्लिक कर दी। आज आपने कंप्लीट वीडियो बनाने का तरीका देखा, आपने कंटेंट जनरेट कैसे करना है, उसको एडिट कैसे करना है और अपलोड कैसे करना है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि सब टाइटल्स कैसे जनरेट करने हैं और आपको बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा रखना पड़ेगा। कैनवा पे जो बहुत सारे फ्री वर्जन के म्यूजिक हैं वो यहाँ पर जब आप लेके आते हैं तो बहुत से कॉपीराइटेड मटेरियल भी होते हैं, बहुत से कॉपीराइटेड ट्रैक्स भी होते हैं। कॉपीराइटेड ट्रैक्स वैसे तो यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने अलाउ किए होते, स्टिल प्रेफर करें कि जो यूट्यूब पे ही फ्री ट्रैक्स हैं आप वही यूज़ करें। आज आपने कंप्लीट वीडियो बनाने का तरीका देखा, इससे रेलेवेंट आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। और अल्लाह हाफिज़।